डेरा थानेश्वर विधानसभा हरियाणा में कन्हैया लोट जी से मुलाकात कर रहे हैं, जो कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम स्वागत करते हैं कन्हैया लोट जी का। जय भीम, जय मुनिया जी। जय भीम सर। तो कन्हैया जी, अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम कन्हैया लोट है और मैं डेरा थानेश्वर विधानसभा से चुनाव फाइट कर रहा हूँ। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और समाज में आपने क्या पृष्ठभूमि है, क्या काम किया है अभी तक? सर, मैंने 10th की हुई है और मैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर हूँ सर। हाँ जी। और सर, समाज में क्या, किस तरह की भूमिका रही आपने, काम किया? सर, समाज में मैं युवा वाल्मीकि टाइगर दल में महासचिव हूँ और सर हमने शादियाँ भी करवाई हैं गरीब परिवार से, और सर ब्लड, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप और भी बहुत काम किए हैं सामाजिक जी। तो अपनी पार्टी के बारे में बताएं कि आपकी पार्टी कौन सी है और क्या उसका चुनाव निशान है। सर, मेरी पार्टी है पीपीआईडी और सर इसका चुनाव निशान है फलों की टोकरी। तो ठीक है कन्हैया जी, पीपीआईडी मतलब पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, जहाँ तक मैंने आपसे जाना, और आपके चुनाव निशान फलों की टोकरी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान में कांग्रेस भाजपा का राज चल रहा है, वो बारी बारी से राज कर रहे हैं, तो इसी दौरान इतनी बड़ी पार्टियों के बीच में आप राजनीति में क्यों आए, आपका राजनीति में आने का क्या मकसद है? सर, आप देखते ही होंगे कि भाजपा और कांग्रेस बार बार बन रही है, काफी लंबे समय से रह भी रही है। तो सर फिर भी अत्याचार हो रहे हैं, जैसे महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बेरोजगारी है जी। तो सर हमारी पार्टी बेरोजगारी खत्म करेगी जी। और जैसे महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं हाँ। तो सर इस बारे में कार्य करेगी। और सर जैसे आप ये अपने नगर पालिका कर्मचारी हैं जी जी तो सर आप देखते भी होंगे कि भाजपा का राज है और सर हमारे जो कर्मचारी नगर पालिका के आए दिन सर हड़ताल रहते हैं। हाँ, हड़ताल पे रहते हैं। हाँ, तो सर उन्हें पक्के करेगी और सर जो सुख सुविधाएं उनको हैं मिली हुई हैं उन्हें दिलाएगी। तो आप जनता से और युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनाव के दौर में? बस सर मैं यही अपील करता हूँ कि मैं 13 विधानसभा से इलेक्शन फाइट कर रहा हूँ और सर मेरा चुनाव निशान है फलों की टोकरी। तो सर मैं ये विनती करता हूँ कि मुझे बढ़ चढ़ कर सहयोग करें और फलों की टोकरी के सामने का जो निशान है सर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उससे ज्यादा से ज्यादा आपको वोट दें। किस तारीख को आपका चुनाव है? सर 21 तारीख को हमारा चुनाव है, 21 अक्टूबर को। ठीक है। तो जैसे कि आपके बीच में हमारे उम्मीदवार कन्हैया जी ने बताया कि हरियाणा में बेरोजगारी चरम सीमा पे है और महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं और सफाई कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन करते रहते हैं, जबकि ये भाजपा सरकार कहती है कि हमने स्वच्छता का अभियान छेड़ा है, लेकिन जो देश में सफाई करने वाले लोग हैं उन्हीं को जब अधिकार नहीं मिल रहे तो आखिर क्या कर रही है भाजपा सरकार? कन्हैया जी का ये कहना है और इनका ये कहना है कि हम भारत में अपनी पार्टी की तरफ से भारत का संविधान लागू करेंगे और सभी अधिकार जो नागरिकों के वो देंगे। और जनता से इन्होंने अपील किया कि आने वाले 21 तारीख को इनकी फलों की टोकरी पे के सामने वाला बटन दबा के इनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएं। तो देखना ये है कि कांग्रेस और भाजपा बारी बारी से राज कर रही है तो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को कैसे जनता उसको समझती है, उनके मुद्दों को समझती है, तो आने वाले 21 तारीख को ये पता चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय मुनिया।